hello everybody, welcome to SJ study. how are you all? i hope you are all fine. today i am here to introduce myself in front of you. friends, i am pursuing bachelor degree from amu and i am going to cover the portion of gk of your syllabus and rest portion like uh, reasoning and current affairs will be covered by SJET. and guys, ask a cat to um, टॉपिक क्या है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की पार्ट वन है और हम कोशिश करेंगे आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कवर करा देंगे जितने सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए हम कोशिश करेंगे कवर करने की और क्या है ये जमी जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं लाइक एमयू एम यू जे एम आई बी एच यू ये सब में मतलब मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पाट से मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन बनते ही बनते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो बने हमारे साथ और वीडियो स्टार्ट करते हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गाइस आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वॉज रिटन बाय हुम सरपरसी की तमन्ना हमारे दिल में है यह किसने लिखा था आंसर इज राम प्रसाद नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस पोस्ट पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोस्टेज सिस्टम इंडिया में आंसर इज लॉर्ड दल होन नेक्स्ट वन इज द संघ वंदे माथरम ऑकर्स इन हुइच बुक वंदे माथरम जो संघ है वो किस बुक से लिया है लिया गया है आंसर इज आनंद मत एंड आनंद मठ को किसने लिखा था बंकिमचंद्र चटर्जी एज ए बेंगली राइटर और गाइस क्या है ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा कुछ मतलब रिलेट होते हैं ना वो सब भी ध्यान ध्यान रखना चाहिए जैसे बंदे मातरम और संग लिखा है किसने पंकिमचंद्र चटर्जी ने और इस इन, इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है आनंद मठ वहाँ से लिया गया है ये वंदे मातरम संघ ऐसे मतलब सब कुछ रिलेट करके पढ़ना है मतलब उसके सारे रिलेटेड जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो भी सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं टफ नहीं मतलब टिपिकल होते हैं क्या बोलते हैं ना अगर हम टफ़ ले, ले लेंगे तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा ना तो टफ नहीं बोलते मतलब टिपिकल होते हैं क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे सब कुछ कवर करेंगे ना तो बढ़िया जाएगा एग्ज़ाम और आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि क्या है ना मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स um, होते हैं तो सीट मिलना भी इतना आसान नहीं होते मेहनत बहुत करनी पड़ती है तो नेक्स्ट वन इज़ हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे आंसर इज आंसर वॉरन हेस्टिंग्स देन नेक्स्ट वन इज़ Who said, art provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed? Kisne kaha But, answer is Mahatma Gandhi. Then, next one is, Lahore was um, was Ranjit Singh's political capital, whose city was his religion capital. ज अमृत सर जी नेक्स्ट वन इज हु फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मीन्स आई एन सी के फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थे एनि बसेंट एंड फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट आई थिंक सरोजनी नायडू हाँ शायद पर मैं कन्फ्यूज हो गई बट लग रही है लग रही है कि वही होगी सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड नेक्स्ट वन इज़ हु वाज़ द चेयरमैन ऑफ द पार्टिशन काउंसिल चेयरमैन कौन थे पार्टिशन काउंसिल के आंसर इज लॉर्ड माउंट बेटन नेक्स्ट वन इज़ हु वाज़ द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखा था ये बुक द माई एक्सपेरिमेंट वोथ आंसर इज महात्मा गांधी गाइज क्या होता है मतलब अगर हमसे कोई मिस्टेक्स हो रही है तो आप लोग जाके कमेंट्स पे बताना क्योंकि मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में वो सुधारने की तो हाँ गाइज़ कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो बताना कमेंट्स में जाके ज़रूर दैन नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आंसर इज दादाबाई नोरोजी दैन नेक्स्ट वन इज द प्रोविंस ऑफ बेंगल वॉज पार्टीशन इंटू टू पर्थ्स बाई होम बेंगल जो पार्टीशन हो गए थे तो टू पर्थ्स में तो गवर्नर जनरल कौन थे आंसर इज लॉर्ड कार्जन एंड ये कब हुआ था बेंगल पार्टीशन कब हुआ था नाइनटीन हंड्रेड फाइव को देन नेक्स्ट वन इज इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी कि, किसका है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम देन नेक्स्ट वन इज आफ्टर दरदले सत्याग्रह Who given the title of सरदार टू वल्लभ भाई पटेल बरदले सत्याग्रह के बाद टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को स, बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल किसने दिया था आंसर इज महात्मा गांधी दैन नेक्स्ट वन इज गाइस क्या है वहाँ पर मतलब टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जैसे यहाँ पर एच नहीं है तो ये सब मिस्टेक्स होते रहेंगे कोई नहीं बट आप लोगों को तो समझ में आ रही है ना महात्मा गांधी जी एंड डी एच आर ओके दैन नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ घदरपाथी घदरपाथी का फाउंडर कौन है आंसर इज सोहन सिंह देन नेक्स्ट वन इज द पुना पैक्ट साइन बिटवीन एम के गांधी एंड पुना पैक्ट साइन हुआ था किन किन के बीच में मतलब एम के गांधी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये दोनों के बीच में हुआ था देन नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ नोन एज इंडियन आर्निस्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक स्क्रिप्टेड गांधी फेवरेट संग वैष्णव जान थो गांधीज फेवरेट हुड गांधीज फेवरेट संगसर इज नरसिंहा मेहता नरसिम्हा मेहता एस एच आई एम टी ए नरसिमहा नरसिम्हा मेहता आंसर मतलब तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक फिर से होगी नरसिंह होगी नरसिम्हा मेहता देन नेक्स्ट वन इज हुटार्टेट दम रोल लीग किसने स्टार्ट किया द होम रोल लीग आंसर इज भाल गंगाधर थील पार्मानेंट सेन्ट सेटलमेंट ऑफ दिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूसड इन इंडिया वाई किसके द्वारा पार्मानेंट से रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था लर्ट करने वाल इसने देन नेक्स्ट वन इज हु हुटाब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने किसनेब्लिश किया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देन नेक्स्ट वन इज हु द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फर्स्ट इंडियन इंडिया के ऐसे कौन से कैंडिडेट है जिनको मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले इलेक्ट uh, किया गया था सबसे मीन्स फर्स्ट फर्स्ट टाइम तो आंसर इज दादा भाई नरोजी एंड इनको um, हम हम लोगों को पहले ये मिल गया ना आंसर ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया किस किसको बोलते हैं um, दादा भाई नरोजी को ऐसे ऐसे मतलब रिलेट करके पढ़ना है अगर एक इंसान के साथ कुछ मतलब रिलेटेड हो रही है जैसे उनका नाम उ, उनको क्या बोलते हैं ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया ऐसे मतलब रिलेट करके सब कुछ पढ़ना है तो ऐसे अगर याद करेंगे ना तो अच्छे से याद रहेगा और एग्ज़ाम में भी जाके जाने के बाद मतलब सब कुछ अच्छे से याद आ जाएगा क्योंकि इजीली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं uh, उसके रिलेट ऐसे ऐसे पूछेंगे हमें क्या पता कहीं पे भी आ सकती है ना क्वेश्चंस um, तो इसलिए सब कुछ काबर के जाने से अच्छा होता है तो अच्छे से कर पाएंगे देन हु द सेल्स सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी सेल्फ सत्याग्रह मोवमेंट जो कि नाइनटीन थर्टी को स्टार्ट था गांधी जी ने तो ए, किसने मतलब आ, साथ के किसने साथ दिया था या साथ कहे थे तो आंसर इज़ सरोजिनी नायडू देन मोहम्मद एंड ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम द हुइच यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले सार सैद अहमद मतलब पहले क्या सर सैद अहमद खान ने पहले जो इस्टाब्लिश किया गया था क्या था वो है मद्रशतुल जो 1875 को इस्टाब्लिश किया था तो 1877 को जाके मोहम्मद एंग्लो और कॉलेज हुआ और लास्ट में नाइनटीन हंड्रेड को जाके ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ ओके Then next one is, who was the first Governor General of India? India ka first Governor General conte. Answer is Warren Hastings. Then next one is, name the first Viceroy of India? India ka pehla Viceroy Answer is Lord Kenny. ए खनिंग बोलो या खनिंग बोलो जो भी हो सही है तो लॉड खनिंग उनका छेनियर कितना था एटीन फिफ्टी सिक्स को लेकर एटीन सिक्सटी टू तक तो, तो होप गाइस आपको आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गई और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो देखते रहिए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हेल्पफुल होगा ही क्योंकि हम लोग ना मतलब आप लोगों के जितने सारे मतलब रिलेवेंस होगा एग्ज़ाम के लिए हम लोग कोशिश करेंगे um, आप लोगों के लिए um, वीडियो अपलोड करेंगे और गाइस हमारी वीडियो समाप्त हुई फ्रेंड्स यू आर इन द राइट प्लेस if you want to your personal branded video make sure that you are hitting that red subscribe button and clicking the bell icon so that you will get all the notification because we will try to provide the notes all the notes um, which is the most relevant for your which will be the most relevant for your exam so thanks for watching bye bye